जा रहे हैं हम जम्मू की ओर, और देख सकते हैं आप रास्ते में खड़े हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं घर। अभी स्वस्थ हो रखे हैं, बाबा जी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो मैं चलो छोड़ाते हैं घर। तो फिलहाल इनकी अभी बिल्कुल ठीक हो रखे। तो अभी हम फिलहाल लुधियाना पहुंचने वाले हैं, और लुधियाना से फिर हम आज सीधा जम्मू जाएंगे, और जम्मू से कल होगा आगे का सफ़र। ये हमारी गाड़ी खड़ी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये रोड का स्मोक की वजह से काफ़ी स्लो था। अभी कुछ नसीब लगे दिल्ली यहाँ से 282 किलोमीटर हमने तय कर लिया है, अभी बाकी है थोड़ा सा और सफ़र। तो मिलते हैं आपको आगे, जाएंगे। जय हो भोलेनाथ, भोलेनाथ। हम पहुंच गए हैं लुधियाना। तो ये लुधियाना में आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है भोले शंकर की, और यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये ढाबा है यहाँ पे, ये टूरिस्ट ढाबा। तो टूरिस्ट ढाबा में होगा खाना पीना, उसके बाद चलते हैं फिर आगे। फिलहाल दिन के 1:30 बजने वाले हैं, और ये प्रतिमा देख के मैं काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ रोक दी गाड़ी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है भोलेनाथ शंकर की। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। सभी कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो गाइस, सुबह के ठीक 7:30 बज चुके हैं, और ये मैं आपको किश्तवाड़ के जो पीछे का इलाका है वो दिखाना चाह रहा हूँ। पूरा पीर पंजाल से ढका हुआ है, चारों तरफ पहाड़ी है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, मौसम में ऐसी करवट आ रखी है कि एकदम ठंडा मौसम हो चुका है। आप देख सकते हैं बर्फ़ भी पड़ी हुई है वहाँ पहाड़ों के ऊपर, आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये देखो बर्फ़, ये यहाँ पे पूरी 24 महीना बर्फ़ रहती है, और वहाँ की जो ठंडी एसी की हवा है वहाँ से ही यहाँ पे आती है, चाहे जून का महीना हो चाहे जुलाई का महीना हो। अभी तो जनवरी है, बर्फ़ के आने का इम्कान भी हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप पीर पंजाल का पूरा इलाका, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का। यहाँ पर केसर, इन खेतों में केसर बहुत होता है, ये जो इलाका केसर का इलाका, ये सब केसर वाला उपजाई ज़मीन है ये पूरा नीचे तक, और ये आप देख सकते हैं पीर पंजाल। तो गाइस देख सकते हैं हम, किश्तवाड़ में कोहरा लगना शुरू हो गया है। ये देखो अब माइनस टेम्परेचर हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ठंड है, ठंड से जान निकली जा रही है। तो आप देख सकते हैं किश्तवाड़ के हाल। ये अपना सुनील जी हैं, पुलिस वाले भैया, ये जा रहे ड्यूटी। तो मैं हेलमेट ना रखा, मुझे हेलमेट कान ठंडे हो रहे हैं। भाई बोल के भाई, हेलो गाइस, वेलकम टू किश्तवाड़। मैं आज इस समय किश्तवाड़ में हूँ, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किश्तवाड़ की खूबसूरती, और किश्तवाड़ के जो चारों तरफ से पीर पंजाल के जो पहाड़ हैं उनके बीच में एक छोटा सा कस्बा है किश्तवाड़, जहाँ पे मैं रहता हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा जो गाँव है, सिटी जो है, ये गाँव में लगता है, समझो गाँव ही है, समझ लो। ये इस गांव का नाम मत्ता है, और ये देखें ये पूरा इलाका हमारा है, और ये बिल्कुल किश्तवाड़ सिटी के बिल्कुल लेफ्ट साइड का है, सिटी ऊपर साइड रह जाती है, ये नीचे का इलाका है। बीच में ये जो ग्राउंड है 3 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया में, उसको भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो देखिए गाइज, ये ऊपर वाला इलाका जो सिटी का इलाका है, और ये जो बीच में ग्राउंड आपको दिख रहा है वाइट वाइट सा, ये पूरा 3 किलोमीटर का है, बिल्कुल इसमें क्रिकेट मैचेस वगैरह भी होते हैं, और शाम के टाइम काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पे। आज खिलखिलाती हुई धूप है, जनवरी का महीना है, सुबह के सॉरी दोपहर के बज रखे हैं 1:30, और मैं ये दृश्य दिखाने के लिए आपको यहाँ पे, एक जमरन जगह है वहाँ पे आया हूँ, और यहाँ से पूरा टॉप है ये, तो यहाँ से टॉप से पूरा व्यू दिखता है किश्तवाड़ का, पूरा इलाका आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिखता है। जब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो पूरा
ऐसे लगता है कि रज़ाई भी जाती है और काफ़ी सुंदर दिखता है बर्फ़ के टाइम में। तो अभी तो सीज़न तो बर्फ़ का था, पर बर्फ़ इस साल हुई नहीं तो आपको बर्फ़ में दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये देख सकते हैं आप किश्तवाड़ का इलाका, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ। आपको बर्फ़ भी दिखाना हो तो बर्फ़ में आप दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ से आपको बर्फ़ भी दिख रहा है। ये देखो ये पीर पंजाल में 12 महीना इसमें जो है बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ रहने का कारण यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं, मार्च अप्रैल मई जून के महीने में भी ठंडी हवाएं मिलती हैं।